हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लाइट बल्ब रेमेडी का प्रयोग करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एक व्हाइट कलर की वायर ले ली, उसमें आगे होल्डर लगा लिया। आपके पास टोटल चार कलर है, रेड येलो ग्रीन ब्लू। देवताज में व्हाइट कलर नहीं होता, रेड येलो ग्रीन ब्लू, ये चार कलर्स हैं। चार कलर्स के 0 वॉट के बल्ब ले आना, जिनको 15 वॉट भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में उसको 0 वॉट कहते हैं। 0 वॉट के कलर के बल्ब्स आप ले आए, उन बल्ब्स को आप सिंपली जिस एनर्जी फील्ड को आपने एक्टिवेट करना है या बूस्ट करना है, आप उस एनर्जी फील्ड में उस कलर का बल्ब 48 से 72 घंटों के लिए लगा के रख दो और बाद में उसको हटा दो, वो एनर्जी फील्ड परमानेंटली कई दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक बूधर की एनर्जी फील्ड है, ठीक है, बूधर नहीं सॉरी एक सेकेंड, भलाट, ये भलाट की एनर्जी फील्ड है, ठीक है, भलाट की एनर्जी फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। अब यहां पे आपको देवतास के जो कलर्स हैं इनको 5 एलिमेंट्स के कलर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। 5 एलिमेंट का कलर अलग है, देवता का कलर अलग है, दोनों को आपस में मिलाना नहीं है, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। नॉर्थ में आपको N4 में जो भलाट की एनर्जी फील्ड दिख रही है, मान लो मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करता हूं, एक क्लाइंट आए, उनकी वो केस स्टडी आपके कोर्स में है, मैं डिस्कस करूंगा आपसे, उसी केस स्टडी को एडवांस में बता रहा हूं। क्लाइंट ने फैक्ट्री लगाई प्रिंटिंग प्रेस की, चलती नहीं थी, वास्तु किया, फैक्ट्री चलने लग गई, सारी चीजें बढ़िया हो गई, ठीक है। 6-8 महीने के बाद क्लाइंट का फिर फोन आया, कहते भैया फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, सारी चीजें ओके हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा जी पैसे आ रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कितने पैसे आ रहे हैं? कह रहे 10-12 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो गई है। तो मैंने कहा और कितने मजे लेने हैं, मजा क्यों नहीं आ रहा? कहते भैया मतलब चक्कर क्या है, हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो ऑर्डर्स बड़े छोटे ऑर्डर्स हैं। जैसे हेडलबर्ग मशीन लगाई हुई है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बाप मशीन है, उससे ऊपर कोई मशीन नहीं है, ठीक है। 18 करोड़ की मशीन उन्होंने लगाई हुई थी अपनी फैक्ट्री में। कहते यार हेडलबर्ग लगाई हुई है, 10,000 पीस का ऑर्डर आ गया, 20,000 पीस का ऑर्डर आ गया, 5,000 पीस का ऑर्डर आ गया प्रिंटिंग आने का, 15,000 पीस का ऑर्डर आ गया। कहते यार ये ना बड़े छोटे ऑर्डर्स हैं हेडलबर्ग के लिए, ऑर्डर को प्रिंट करने के लिए उसकी सेटिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत कलर वेस्ट होता है, बहुत पेपर वेस्ट होता है, जब सैंपल्स निकलते हैं ना, बोले उसमें वेस्टेज बहुत है। कहता है यार बल्क ऑर्डर अगर आए ना, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख पीस का, तो मजा आए। कहते इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, बोले लेकिन सिर खपाई और सिर दर्द भी बहुत है। तो कह रहा क्या कुछ ऐसा हो सकता है बल्क ऑर्डर आने लग जाए? मेरा ठीक है जी, ट्राई करते हैं। भलाट की जो एनर्जी फील्ड है, ये बल्क ऑर्डर दिलवाने का काम करती है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके नॉर्थ में भलाट की एनर्जी फील्ड में येलो कलर का 0 वॉट का बल्ब लगवा दिया और मैंने उनको बोला 3 दिन के लिए इसको जला के रखना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है, ठीक है। उन्होंने नॉर्थ में भलाट, अब बंद क्यों करना है, क्योंकि येलो कलर जो है वो वाटर एलिमेंट के साथ एंटी होता है। हमारा पर्पस एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करना है, जो 48 से 72 घंटों में एक्टिवेट हो जाती है। कंटिन्यू अगर जला के रखेंगे तो वो पंच तत्वों के साथ एक इंबैलेंस क्रिएट करेगा। मैं कह, जब आप ये येलो कलर का बल्ब जलाओगे तो हो सकता है कुछ दिन फैक्ट्री में ऑर्डर ना आए, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। उन्होंने येलो कलर का बल्ब भलाट में लगाया, Day 1 नॉर्मल, Day 2 पे बोले सर आज बड़े दिनों के बाद मशीन बंद है, आज मशीन पे कोई काम नहीं है। मैं, कोई बात नहीं। कह रहे बल्ब सही है? मैंने हाँ सही है। Day 3 पे शाम को बोले यार आज का दिन भी खाली चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब आप बल्ब को बंद कर दो, 3 दिन हो गए। Day 4 पे क्लाइंट बोले जी आज भी कुछ नहीं हुआ। Day 5, Day 6, Day 7, Day 8 बोले सर फैक्ट्री में काम ही बंद हो गया है, येलो बल्ब क्या जलवा दिया आपने, पहले ही सही चल रहा था, पहले ऐसा कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं,
होल्ड करो, मैं 15-20 दिन का टाइम लेके चलता हूं हर चीज में। मेरे ख्याल 11वें या 12वें दिन क्लाइंट का फोन आया, कहते जी आपसे मिलना चाहते हैं, ऑफिस आ जाए। तो मैं कहा सर मैं आपको कह तो रहा हूं एटलीस्ट 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा, इफेक्ट ऐसे नहीं आते, बैक एंड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, इफेक्ट आएंगे, आप चिंता मत करो। कहते नहीं नहीं सर वो इफेक्ट आ गया, उसी के हम ना डिसीजन नहीं ले पा रहे कि करें या ना करें, तो उसी के चक्कर में आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, आए ऑफिस। कहते सर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, एक कंपनी हमारी फैक्ट्री को किराए पे मांग रही है। मैंने कहा मतलब आपने तो खुद किराए पे ले रखी है फैक्ट्री, ये फैक्ट्री आपकी थोड़ी है, मशीनें आपकी हैं, फैक्ट्री तो आपने खुद रेंट पे ले रखी है 5-6 साल की लीज पे। कहता नहीं नहीं सर आप समझे नहीं, एक कंपनी हमारे पूरे सेटअप को रेंट पे मांग रही है, वो कह रही है कि तुम अपना पूरा सेटअप हमें दे दो रेंट पे और जो भी माल बनेगा वो सारा हमारा बनेगा, अपना मंथली फिक्स कर लो। मैंने कहा डन जी। मैंने कहा क्या क्या दे रहे हैं मंथली, क्या फिक्स करना चाह रहे हैं? कहते सर वो नेगोशिएशन चल रही है, हमने 15 बोले हैं वो 10 बोल रहे हैं, तो वो 12-13 में कहीं जाके डील हो जाएगी, बट आप बताओ करें या ना करें। कह रहे नहीं बस ऐसी समझ नहीं आ रहा ये डिसीजन। मैंने जी लेके नक्की करो, ले लो डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो रेंट पे। उन्होंने वो पूरा अपना सेटअप कंपनी को रेंट पे दे दिया। मैंने कहा आपकी क्या यूटिलिटी रहेगी अब फैक्ट्री में? कह रहे कुछ नहीं थी, कोई यूटिलिटी नहीं है, उन्हीं के बंदे आएंगे, हम सिर्फ सुबह एक बार जाएंगे देखने फैक्ट्री में काम सब सही चल रहा है, एक बार हमें शाम को देखने जाना है फैक्ट्री में सब काम सही चल रहा है, बाकी सारे उन्हीं के बंदे, सारा काम उन्हीं के एम्प्लॉय, सब कुछ वही, रॉ मटेरियल भी उन्हीं का, पेपर भी उन्हीं का, सब कुछ उनका, वही करेंगे जो भी करेंगे। कह रहे हमें बस सुबह शाम देखने जाना है, लेबर जो हमारी है वो सैलरी भी उनकी वही देंगे, बट वो लेबर हमारी है तो इसलिए हमें अपनी लेबर को देखने जाना है, क्योंकि वो हमारी सुनेगी उनकी नहीं सुनेगी। डन जी आप फैक्ट्री सेटअप पे दे दो, फैक्ट्री रेंट पे दे दो। उन्होंने अपना पूरा सेटअप रेंट पे दे दिया, 12 लाख रुपए महीने में उनकी डील हो गई, सेटअप पूरा का पूरा उनका रेंट पे चला गया। अब बाप बेटा दोनों घर पे। एक महीने बाद फिर फोन आया, कह रहा यार अभिषेक जी यार ये तो पंगा सा हो गया। मैंने क्या पंगा हो गया? बोला यार कुछ करने को नहीं है। कहते यार कुछ करने को नहीं है, पहले कम से कम फैक्ट्री जाते थे, टेंशन लेते थे, टाइम तो पास होता था। बोले जी अब तो सुबह उठ के सोचते क्या करें, कुछ करने को नहीं है। मैं कह जी मैं तो ना आपको एक महीने का टाइम दिया था लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अब आप हो गए ना बोर, अब एक नई फैक्ट्री की प्लानिंग करो, एक नई फैक्ट्री को सेटअप करो, उस पर दिमाग लगाओ। कह रहे अरे ये तो सोचा ही नहीं कि एक और प्लांट लगा लेते हैं। फिर उनका एक और प्लांट लगा, उनके 2 प्लांट है, दूसरा अभी वो खुद चला रहे हैं, एक उनका रेंट पे चल रहा है किसी कंपनी के साथ।